हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की फॉर्म भर रहे थे, आपके अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं हुआ, यानी रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट नहीं हुआ, तो इसका क्या उपाय है। ये फ्रेंड्स मैं जो उपाय बताने वाला हूँ यह केवल बिहार पुलिस के लिए नहीं है, अगर आप किसी और भी फॉर्म भर रहे थे और इसी तरह का सेम प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या आगे आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा या आपका पेमेंट रिफंड आएगा या उसी पेमेंट में आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप सबको पता है कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म आया है, बनपाल जो फॉरेस्टर का है उसका भी फॉर्म आया हुआ है और कुछ दिन के लिए होम गार्ड है, अब उसका लास्ट डेट खत्म हो चुका है तो उसका भी फॉर्म आया हुआ है। तो आप बिहार पुलिस का किसी भी कैटेगरी का किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आपका पैसा कट गया, रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं जनरेट हुआ तो उसका क्या उपाय है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में क्या है कि आपको सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन मिलता है और स्टार्टिंग में ही आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भर के जब आगे प्रोसेस करते हैं तो होता क्या है कि पहले ही आपसे फी पेमेंट लिया जाता है, यानी ऑनलाइन बोलता है पेमेंट काटने के लिए, ठीक है ना। तो जनरल ओबीसी के लिए 450 रुपये और SC ST के लिए 112 रुपये पेमेंट वहाँ पर लगता है। उस केस में क्या हो रहा है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है, आपके अकाउंट से तो पैसा कट जा रहा है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट नहीं हो पा रहा है या आपके मोबाइल पे कोई भी कंफर्मेशन मैसेज नहीं जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से आप अगला स्टेप फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं। तो इसका सबसे आसान उपाय ये है फ्रेंड्स, आपको करना क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऊपर में ही नंबर दिए गए हैं, कस्टमर सपोर्ट नंबर, वहाँ आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। देखिए कॉल करने का जो समय है उसी कॉल समय में आपको बात करनी है, अगर इसके अलावा आपका नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेल आईडी भी दिया हुआ है, इस मेल आईडी पे आप क्या करेंगे, मेल करेंगे और मेल करने के बाद से आप अपना उसमें सारा चीज मेंशन करेंगे कि पेमेंट डिटेक्टेड बट फॉर्म नॉट सबमिटेड या रजिस्ट्रेशन आईडी नॉट जनरेटेड। तो उस केस में क्या होगा, वो लोग वेरीफाई करेंगे, आप क्या करेंगे उसमें अपना मोबाइल नंबर मेंशन जरूर कीजिएगा जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाल रहे थे, ईमेल आईडी, और अगर हो सके तो जब आप पेमेंट कर रहे थे तो आपके अकाउंट से तो पैसा कटा होगा तो उसका जो है ट्रांजैक्शन स्लिप आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे और वहां पे मेल करेंगे। तो हो सकता है कि आपके मेल पे 24 आवर या 48 आवर बाद आपके मेल पे रिप्लाई आएगा और आपके मोबाइल पे SMS भी आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि फॉरेस्ट गार्ड का कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, उस केस में मेरे साथ जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि मैंने तुरंत फ़ोन किया और वहाँ पे मैंने बोला कि मैम मैं फॉर्म भर रहा था तो इस तरह से प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने क्या किया, मेरा मोबाइल नंबर लिया और लेने के बाद से तुरंत जो है मेरे मोबाइल पे SMS भेज दिया और बोला कि आधे घंटे बाद आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अगर आप किसी और फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो उस केस में भी सेम यही प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ढूंढना है कि जो सपोर्ट नंबर है वो कौन सा है, मेल आईडी कौन सा है। हालांकि सभी केस में जितने भी वैकेंसी आती है सभी में जो है कस्टमर सपोर्ट या हेल्पलाइन नंबर दी रहती है, आप उस पर बात करेंगे। जैसे कि मैं इलाहाबाद फॉर्म भर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए, तो उस केस में हमारे पास 4 ऐसे प्रॉब्लम आए थे। मैं खुद साइबर कैफे चलाता हूँ, आप सबको पता है, और आप भी साइबर कैफे चलाते होंगे, मे भी बहुत से मेरे व्यूअर हैं जो साइबर कैफे चलाते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम झोलने पड़ सकते हैं। अगर आप खुद कैंडिडेट से खुद से फॉर्म भरते हैं तो भी आपके लिए यही उपाय है, आप भी क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, सारी जानकारी उनको बताएंगे, सारे प्रॉब्लम को बताएंगे, या तो मोबाइल के माध्यम से या मेल के माध्यम से। सबसे बेस्ट उपाय है फ्रेंड्स कि आप मेल करें उनको, मेल में सारी जानकारी दें, क्योंकि मेल पे वो लोग तुरंत रिप्लाई करते हैं और मेल जो है एक सूटेबल तरीका है आपसे डिस्कशन करने के लिए इस मामले में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कुछ केस में क्या होता है कि आपको जो पैसा तुरंत आपके अकाउंट पे ही रिफंड आ जाता है, इसका जो समय लगता है फ्रेंड्स 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच लगती है। अगर छुट्टी होता है संडे सैटरडे ये सब रहता है तो मे बी थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इस केस में भी आपको वेट कर लेना पड़ेगा। अगर आपको वेट नहीं कर पाते हैं और फॉर्म बहुत ही नज़दीक है, पैसा कट गया, तो आप अपना करियर का सवाल पे ध्यान देंगे। देखिए होगा क्या कि आपका तो पैसा कट गया लेकिन लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप तुरंत जो है दूसरा फॉर्म भरेंगे
और दूसरा पैसा कटाना पड़ेगा। ये मैंने खुद किया हुआ है क्योंकि मेरे पास इस तरह के प्रेशर बन चुके हैं फ्रेंड। जैसे कि आप सबको पता है कि एज ए मैं साइबर कैफे हूं और मैं इस तरह का काम करता हूं, तो मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं भाई इसका तो लास्ट डेट कल तक है और आप बोल रहे हैं 24 घंटे इंतजार करने के लिए, तो उस केस में आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं समझेगा बंदा, उसके कैरियर का सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी प्रकार का भी आपका अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा केस ये हो सकता है फ्रेंड्स, आपके अकाउंट में पैसा जा सकता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पे बात करके ये रिपोर्ट वहां दर्ज करा देंगे कि मैंने फॉर्म भर रहा था, इस तरह से पैसा कट गया लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया, इस तरह से आप बता देंगे। तो वो भी क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे और जो दोनों का बीच का ट्रांजैक्शन का जो कनेक्शन है वो सॉल्व जैसे ही होता है, या तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा या आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही फ्रेंड्स इसका समाधान है। आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आप और भी चीजों पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें सजेशन बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सजेशन के ऊपर वीडियो लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर।